हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 11.2। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर टू जो है इसको सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या नीचे वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा एट्थ क्लास की, और उसमें आपको इस चैप्टर और बाकी चैप्टर्स के जो लेक्चर जो वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए बोलता है क्वेश्चन जो जैसे हमने क्वेश्चन वन सोल्व करा था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, बस इसमें एक डायमेंशन अननोन है। इसमें एरिया दे रखा ट्रेपीजियम का हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और देखिए इसकी लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो देखिए मैंने जैसे पिछले में भी आपको बताया था कि पैरेलल ट्रेपीजियम जो होता है कुछ ऐसा होता है, इसका एक पेयर पैरेलल होता है, बाकी जो दो साइडें होती हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, और बराबर हो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी बराबर नहीं होती है, बस पैरेलल होती हैं ये दोनों साइडें। तो इसमें से ये इस पेयर की बात करें, इसमें से बोलता है जो लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड है उसमें से एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे और उनके बीच में जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर की। तो हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें देखा है 4 सेंटीमीटर। इन साइडों को हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने मान लिया हमें ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड निकालना, तो बी हमें निकालना है, बी हमें नहीं पता। तो देखिए सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है तो मैं खाली एरिया लिख रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये पैरेलल साइड ही है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये एरिया के बराबर हो जाएगा। तो एरिया हमें दे रखा है 34, तो एरिया की जगह हम लिखेंगे 34 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए है 10 और बी हमें निकालना है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम वो है 4। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड कर जाएगा इससे, अगर बीच में प्लस का निशान होता तो डिवाइड नहीं करता, क्योंकि इन सब में मल्टीप्लाई का ही निशान है, ये तो पूरा एक ही नंबर है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है, तो और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई, तो इसलिए डिवाइड कर रहा है, तो 2 दो बार में डिवाइड हो गया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा 2 × 10 + b, क्योंकि इसको हम फिर से लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 20, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 2b आ गया। तो हम लिख सकते हैं 34 इज इक्वल टू 20 + 2b। अब b वाली टर्म को एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट वाले को एक साइड, तो ये इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो 34 - 20 इज इक्वल टू 2b, और 34 में से 20 गया तो बचेगा 14 इज इक्वल टू 2b। ये मल्टीप्लाई में तो इससे डिवाइड में चला जाएगा 2, तो 14/2 इज इक्वल टू बी, तो डिवाइड करके आया 7, तो जो बी हमारे पास आया है वो आया है 7। ये एरो जो है नेक्स्ट स्टेप को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप को इस तरह से बता रहे हैं, तो एरो आपको लगाना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा था सेंटीमीटर में, तो ये भी आएगा बी जो है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो दूसरी साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गई। तो बस वही है पिछले वाले की तरह कॉन्सेप्ट, ये इसमें कुछ नया नहीं है, बस ये है कि इसमें टर्म अननोन दे रखी है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा किसी क्वेश्चन में, और अगर डाउट होगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।